मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला छतरपुर जिले का है, जहां एक बारातियों से भरी कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिससे कार में सवार एक की मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। छतरपुर जिले के लवकुश नगर चंदला मार्ग पर बसाहा नाले के पास शादी समारोह में शामिल होने जा रही सफारी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई, जिससे जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं पांच लोग घायल हो गए। घायलों में से दो की हालत गंभीर होने से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। शेष का इलाज लवकुश नगर अस्पताल में जारी है। घटना उस वक्त हुई जब उत्तर प्रदेश के मोधा के महेंद्र वर्मा और उनके साथी शादी समारोह में शामिल होने के लिए वसंतपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान वसहा नाले के पास अंधे मोड़ में उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। फिलहाल लवकुश नगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। टाटा सफारी गाड़ी से जा रहे थे और इस रोड में ये शायद पहली बार आए थे, तो उनको ये कम लगना था। गाड़ी शायद स्पीड पे थी और उनको अंदाजा नहीं लगा, जिसके कारण गाड़ी खाई में गिर गई अनियंत्रित होकर और ये वहाँ पर गाड़ी में दब गए। और वहाँ पे जो साथ में लोग थे उन्होंने रोड में आकर कई लोगों को हाथ दिया कि कोई मदद के लिए आए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ये दो घंटे तक गाड़ी के नीचे दबे रहे, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।